आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है बजट 2024 पीएम मोदीज बिग मिस्टेक बजट 2024 एक्सप्लेन्ड अभी एंड न्यू। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया लाइक शेयर को फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल लेकर इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अगले 5 साल कैसे होने वाले हैं? क्या भारत डेवलपमेंट की फास्ट ट्रेन पकड़ेगा या फिर अपने सारे पैसे यूं ही बेकार प्रोजेक्ट्स में बर्बाद कर देगा? इन सारी बातों का जवाब अगर कहीं पर मिलता है तो वो है भारत का बजट। इन शॉर्ट, मिडिल क्लास को मिला ठेंगा। गरीब को कुछ मिलता है, अमीर को बहुत कुछ मिलता है, मिडिल क्लास को बस मिडिल फिंगर मिलता है। मिडिल क्लास चुपचाप अपना टैक्स भरता है और उसका पैसा यूपीएससी के स्कैमर्स को अमीर बनाने में जाता है या फिर ऐसे पुल बांधने में जो कभी भी गिर सकते हैं। एज यूजुअल आपकी इनकम फिनिश करने के बाद सरकार की नजर आपके सेविंग्स पर। लगता है इतना सारा टैक्स देने के बाद एक बार बिहार और आंध्र जरूर जाना चाहिए देखने के लिए कि हमारा पैसा कैसे लुटाया जा रहा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% हुआ है और लॉन्ग टर्म 12.5% हुआ है। इसका रिजल्ट मार्केट पर भी दिख रहा है। मिडिल क्लास को क्या मिला? क्या टैक्स का बर्डन हल्का हुआ? मोदी जी की थर्ड टर्म में उनका फोकस कौन से एरियाज में होने वाला है? हमारे टैक्स के पैसे बड़े भरोसे से सरकार के हवाले करते हैं। ये पैसे हम बड़ी मेहनत से कमाते हैं। अगर ये पैसे सरकार ठीक से यूज नहीं करती तो इसमें सरकार से ज्यादा हमारा नुकसान है। इसीलिए एक चौकीदार की तरह सरकार पर नजर रखनी पड़ती है और हम चाहते हैं कि आप और हम साथ में सरकार से अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट करें। अगले कुछ मिनटों में हम इस साल के बजट के हाइलाइट्स आपको समझाएंगे, लेकिन एक आसान भाषा में। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। बजट काफी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बजट से हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का फ्यूचर डायरेक्शन क्या है। भारत का एक ही प्रॉब्लम है कि हम जनरली फ्यूचर के बारे में ठीक से प्लान नहीं करते और बुरे प्लानिंग एंड विजन की वजह से हमेशा दुनिया से पीछे छूट जाते हैं। AI एक ऐसा रैपिडली डेवलपिंग फील्ड है जो पूरी दुनिया बदल रहा है। नए नए AI टूल्स एक तरफ लोगों के जॉब्स पर इम्पैक्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों का काम आसान भी कर रहे हैं। ऐसे सिनारियों में आप AI के बारे में जितना जानेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। एंड वन रिसोर्स यू कैन यूज फॉर योर प्रिपरेशन इज दिस 3 आवर ChatGPT एंड AI वर्कशॉप। जो होता तो एक पेड वर्कशॉप है, लेकिन आप हमारे खास ऑडियंस है, इसीलिए पहले 1000 व्यूअर्स के लिए ये वर्कशॉप होगा बिल्कुल फ्री। ऑलमोस्ट 10 लाख लोगों ने ये वर्कशॉप किया है और वो AI की मदद से अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। मैंने खुद ये फ्री वर्कशॉप अटेंड किया है एंड आई विल रेट इट 5/5। यहाँ मैंने सीखा कि AI की मदद से जॉब हंटिंग कैसे होती है, रेज्यूमे AI की मदद से कैसे बनते हैं, AI की मदद से कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल कैसे बना सकते हैं, और इन सब से लोग सैलरी हाइक्स भी ले रहे हैं और बिजनेस भी ग्रो कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, IT, सेल्स, HR, ऑपरेशन, ये वर्कशॉप सबके लिए है। पहले 1000 व्यूअर्स जो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे उन्हें ये वर्कशॉप मिलेगा बिल्कुल फ्री। सो डू मेक श्योर टू चेक इट आउट ताकि आप AI की रेस में पीछे ना छूट जाएं। Chapter 1, बजट होता क्या है? चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपको एक मोबाइल खरीदना है और आप दुकान में जाते हैं। आप दुकानदार से कहते हैं कोई अच्छा मोबाइल दिखाओ, तो दुकानदार पहले सवाल क्या पूछता है? वो कहता है अरे मैडम, फोन तो सारे अच्छे ही हैं, आपका बजट क्या है? आपका बजट 2 फैक्टर्स पर डिसाइड होता है। एक है कि आप कितना पैसा कमाते हो और दूसरा है कि आप कितना पैसा स्पेंड करना चाहते हो। आजकल कई लोग EMI पर भी फोन लेते हैं क्योंकि उनके लिए फोन जरूरी है, फिर उनके हाथ में पैसे हो या ना हो। ये 3 बातें समझना सिंपल है, राइट? तो आपके लिए देश का बजट समझना भी सिंपल है। जैसे आपका इनकम होता है वैसे देश का रेवेन्यू होता है। ये रेवेन्यू टैक्स से आ सकता है, जैसे कि इनकम टैक्स, GST, कस्टम्स ड्यूटी, या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू भी हो सकता है। जैसे अगर सेंटर किसी स्टेट को लोन देती है तो उस पर कमाया हुआ इंटरेस्ट, पावर सप्लाई के लिए फीस, फाइन्स, पेनल्टीज एटसेट्रा, इन सारी बातों को मिलाकर बनता है देश का इनकम, जिसे फैंसी भाषा में कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग अलग फैक्टर्स को कंसिडर करके अनुमान लगाती है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में यानी 31 मार्च 2025 तक केंद्र सरकार कितने पैसे कमाएगी। बजट डॉक्यूमेंट्स में ये एक काफी इम्पोर्टेंट फिगर है कि गवर्नमेंट के पास आने वाला 1 रुपया कहाँ से और कौन से सोर्सेस से आता है। सोचने जैसी बात है कि इतने टैक्सेस देने के बावजूद इनकम टैक्स से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन बोरोइंग से आता है। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते हैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू।
रेवेन्यू रिसीट्स यानी रोजमर्रा और रेगुलर। रेवेन्यू रिसीट्स यानी वो रिसीट्स जो आपको रेगुलरली मिलते हैं, जैसे कि सैलरी या फिर एफडी या सेविंग्स बैंक पर इंटरेस्ट। सिमिलरली रेवेन्यू एक्सपेंसेस यानी वो खर्चे जो आपको डे टू डे लाइफ में खर्च करने पड़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरीज एक्सेट्रा। गवर्नमेंट के केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरीज, पेंशन, सब्सिडी, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। और इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, ये सब रेवेन्यू रिसीट्स हैं। कैपिटल यानी वन टाइम, या फिर वो जिसकी फ्रीक्वेंसी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे हमारा वेदर डिपार्टमेंट कभी भी सही तरह से बारिश की प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकता। कैपिटल रिसीट्स और एक्सपेंसेस दोनों कुछ वैसे ही होते हैं, जो आएंगे या नहीं, अगर आएंगे तो कितने अमाउंट में आएंगे, इसकी सरकार को कोई सर्टेनिटी नहीं होती। कैपिटल एक्सपेंसेस में वो सारे एक्सपेंसेस आते हैं जिन्हें एसेट क्रिएशन में यूटिलाइज किया जा सकता है, जैसे रेलवे को अपग्रेड करना, डिफेंस परचेजेस करना, नई सड़कें बनाना, नए हॉस्पिटल बनाना। कैपिटल रिसीट में मेजरली बोरोइंग्स और ग्रांट्स आते हैं। इस बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनुमान लगाया है कि केंद्र सरकार इतने रुपए कमाएगी और खर्च कितने करेगी, पता है? इतने क्या? हम यानी भारत सरकार जितना पैसा कमाती है उससे ज्यादा स्पेंड करती है। हम इतना पैसा कहाँ खर्च करते हैं? चलिए बजट डॉक्यूमेंट को समझते हैं। चैप्टर 2, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। एक बजट तीन तरह का हो सकता है। सरप्लस बजट, जहां हमारा इनकम एक्सपेंसेस से ज्यादा होता है। बैलेंस बजट, जहां हमारा इनकम और एक्सपेंस दोनों सेम टू सेम होता है। और डेफिसिट बजट, जहां हमारे एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा है। फन फैक्ट, भारत के इतिहास में सिर्फ एक ही बार 1950-51 में हमने एक सरप्लस बजट प्रेजेंट किया था। यहाँ पूरे 71 लाख का सरप्लस भारत की तिजोरी में बचा हुआ था। उसके बाद आने वाले सारे बजट्स डेफिसिट बजट्स ही थे। बजट के टॉप 5 मिनिस्ट्रीज देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 18,58,158 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 6,21,940 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 2,78,000 करोड़। अलॉट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 2,55,393 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 2,23,323 करोड़। हमारा सबसे बड़ा स्पेंड इंटरेस्ट पेमेंट्स पर होगा, ₹11,62,940 करोड़, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है। ये पूरे बजट के कैपिटल आउटले से भी ज्यादा है। बजट के हिसाब से इस साल 31,29,200 करोड़ रेवेन्यू रिसीट्स के फॉर्म में आएंगे। उसके सामने टोटल एक्सपेंसेस यानी रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंसेस 48,20,512 करोड़ होंगे। यानी गवर्नमेंट को ये सारे खर्चे करने के लिए 16,13,312 करोड़ बोरो करने पड़ेंगे। चैप्टर 3, फोकस कहाँ पर हुआ? इस बजट में फोकस कहाँ हुआ? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने काफी इम्पोर्टेंट बात कही कि मॉडर्न भारत में सिर्फ 4 जाति हैं, गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता। कुल मिलाकर 9 प्रायोरिटीज की बातें हुई जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और फोकस एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, MSMEs और मिडिल क्लास पर हुआ, एटलीस्ट ऑन पेपर। शुरुआत मिडिल क्लास से करते हैं। इन शॉर्ट मिडिल क्लास को मिला ठेंगा। एज यूजुअल आपकी इनकम फिनिश करने के बाद सरकार की नजर आपके सेविंग्स पर। हमने हमारे पिछले वीडियो में भारत में टैक्स स्ट्रक्चर रिवाइज होने की जरूरत क्यों है, इस बारे में डिटेल में चर्चा की। इनकम टैक्स की बात करें तो टैक्स स्ट्रक्चर रिवाइज तो हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना हमें एक्सपेक्टेड था। न्यू टैक्स रेजीम के नए स्लैब्स कुछ ऐसे दिखेंगे। आप वीडियो को पॉज करके नए स्लैब्स के बारे में पढ़ सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि हम विवाद से विश्वास की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर टैक्स लायबिलिटी 50 लाख से कम है तो इनकम टैक्स की फाइल असेसमेंट के लिए 3 साल बाद नहीं खोली जाएंगी। मेजर चेंजेस इनडायरेक्ट टैक्सेस में हुए हैं, जैसे कि कस्टम्स ड्यूटी। कैंसर की दवाइयाँ सस्ती होंगी, फोन्स और फोन्स के चार्जर्स सस्ते होंगे। गोल्ड और सिल्वर की कस्टम्स ड्यूटी 6% तक कम हुई। हमने इसी महीने की शुरुआत में इस पॉइंट पर एक वीडियो भी बनाया था कि क्यों लोग भारत में नहीं दुबई जैसे प्लेसेस में जाकर गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन कहीं के टैक्सेस कम हुए तो कहीं के टैक्सेस बढ़ेंगे भी ना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% हुआ है और लॉन्ग टर्म 12.5% हुआ है। इसका रिजल्ट मार्केट पर भी दिख रहा है। फॉरेन की कंपनीज के लिए भारत में 40% टैक्स हुआ करता था, जो कम करके 35% हुआ है। टैक्स से आगे बढ़ते हैं। सरकार का फोकस एम्प्लॉयमेंट पर रहा है। भारत में विमेन्स पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स काफी लो है। इसे एनकरेज करने के लिए सरकार ने प्रॉमिस किया है कि इंडस्ट्रीज के आसपास विमेन्स ओनली हॉस्टल स्थापित किए जाएंगे। वैसे इंडस्ट्रीज के पास क्रेश की भी सुविधा की जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक के लोन्स दिए जाएंगे। आने वाले 5 सालों में सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को देश के टॉप 500 बिजनेसेस में इंटर्नशिप दिलवाने का टारगेट रखा है।
10,00,000 करोड़ इन्वेस्ट करके अर्बन हाउसिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस होगा। रेंटल हाउसिंग मार्केट्स को और ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश होगी। शहरों में ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट पर फोकस होगा। सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए पीएम सूर्य घर योजना के बारे में लोगों को रिमाइंड किया गया, जहां आप अपने घर सोलर पावर की मदद से 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी पा सकते हैं। इसके बारे में और जानने के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस साल बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स में होने वाले फ्लड्स के बारे में बात हुई, उत्तराखंड के लैंडस्लाइड्स की बात हुई, सिक्किम के फ्लैश फ्लड्स की बात हुई, लेकिन यहाँ काफी वेग बातें हुई कि सरकार असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। एग्जैक्टली क्या करेगी, इसका प्लानिंग मिसिंग था। वैसे ही हीट वेव्स की बातें हुई ही नहीं, जहां इस साल नेशनल कैपिटल दिल्ली में भी टेम्परेचर्स 50 डिग्री तक पहुंच रहे थे। हमारे जीडीपी का 3.4% कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च होगा। 11,11,111 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड होंगे। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश के लिए एलोकेट हुए हैं। बिहार में 26,000 करोड़ रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, नालंदा और गया जैसे लोकेशंस को डेवलप करने के लिए खर्च होने वाले हैं। आई होप कि ये पैसे एक्चुअल में सही कामों के लिए खर्च होते हैं। लगता है इतना सारा टैक्स देने के बाद एक बार बिहार और आंध्र जरूर जाना चाहिए, देखने के लिए कि हमारा पैसा कैसे लुटाया जा रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि ये एक पॉलिटिकल मूव है। आंध्र प्रदेश ने चंद्रबाबू नायडू और बिहार के नीतीश कुमार के बगैर सरकार गिर सकती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में बताइए। ओवरऑल फोकस भारत का कर्जा कम करने पर हुआ है, यानी फिस्कल डेफिसिट। इस साल हमारा फिस्कल डेफिसिट 4.9% होगा और अगले साल तक 4.5% तक कम करने का अनुमान लगाया जा रहा है। चैप्टर 4, सरकार की उधारी। ये पैसा आता कहाँ से? अगेन उसी फोन के एग्जाम्पल पर वापस जाते हैं। अगर आपको रील्स बनाने के लिए या फिर गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए आईफोन चाहिए, लेकिन अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप क्या करते हैं? लोन लेते हैं, राइट? सरकार भी वही करती है। लेकिन हमारी सरकार लोन किससे लेती है? एलियन से। हमारी सरकार हमसे ही लोन लेती है। भारत एक डेफिसिट बजट चलाता है, यानी कुल मिलाकर सरकार के रिसीट्स उनके खर्चों से कम है, और जो बाकी बच जाता है उसे बोरोइंग से भरा जाता है, यानी लोन लेकर। अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट यानी रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू रिसीट्स माइनस ग्रांट्स एंड अदर कैपिटल रिसीट्स। बेसिकली फिस्कल डेफिसिट ये बताता है कि हमें कितने बोरोइंग्स करनी पड़ेंगे ताकि सरकार वही खर्चे कर पाए जो उन्होंने बजट में कमिट किए हैं। इस साल का फिस्कल डेफिसिट है ये। सरकार लोन कहाँ से लेती है? अगर आप पापा की परी हैं तो आपके घर एक चलता फिरता एटीएम है। आपके पापा, आप पापा से दो मीठी बातें करके लोन ले सकते हैं, और पापा आपसे प्यार करते हैं तो वो आपको पैसे देंगे भी, या फिर आप बैंक के चक्कर काट सकते हैं। वैसे ही सरकार के पास भी एडिशनल पैसे खड़े करने के लिए यानी डेट के लिए दो ऑप्शंस हैं। एक होता है इंटरनल डेट, यानी जनता जनार्दन से लिया हुआ लोन, मार्केट बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, स्टेट प्रोविडेंट फंड्स, बॉन्ड से आया हुआ पैसा सरकार आपसे बोरो करती है। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके प्राइसेस सोने के प्राइसेस से लिंक्ड होते हैं, प्लस सरकार आपको 2.5% इंटरेस्ट भी देती है। ये सरकार ने आपसे लिया हुआ एक लोन है। और दूसरा होता है एक्सटर्नल डेट, जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर हमारे ट्रेड पार्टनर्स यानी दूसरे देशों से लिया हुआ डेट होता है। सरकार देश को स्टेबलाइज करने के लिए, सरकारी एम्प्लॉइज की सैलरीज देने के लिए, देश के डिफेंस के लिए, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज के लिए और रोड्स बनाने जैसे कामों के लिए खर्चे करती हैं। और जब ये सारे खर्चे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं आ पाते तो लोन लेती है। लोन तो शादी करने के लिए भी लिया जा सकता है और एक ही इवेंट में सारा पैसा उड़ाया जा सकता है, या फिर लोन लेकर एजुकेशन भी लिया जा सकता है। शादी वाला लोन बुरा लोन है, क्योंकि बारातियों को खाना खिलाने से आपकी फ्यूचर इनकम थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन एजुकेशन के लिए अगर लोन लिया तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। अच्छा जॉब पाकर आप आपकी इनकम बढ़ा सकते हैं। लोन बुरा नहीं होता, लोन किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो चीज अच्छी या बुरी हो सकती है। देश के लिए सेम लॉजिक अप्लाई होता है। एक सशक्त और स्मार्ट इकोनॉमी वही होती है जो लोन का इस्तेमाल करके खुद को ग्रो करती है। लोन लेकर रास्ते बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पैसों का सही इस्तेमाल है। आप लोन ले सकते हैं, लेकिन लिमिट में। एक लिमिट के बाद बैंक भी आपको लोन देना बंद करेगी, राइट? अगर आप महीने के 10,000 रुपए कमाते हैं और आपको 2 करोड़ का लोन लेना है तो बैंक भी आपको पूछेगी क्या फूक के आया है बे। हमारे देश में भी सरकार को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ लिमिट्स लगाए गए हैं। साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट FRBM एक्ट लाया था,
ये एक्ट कोशिश करता है कि सरकार एक लिमिट के बाहर लोन लेना बंद करे, ताकि कोई एक सरकार 5 साल के लिए लोन ले लेकर देश को कंगाल ना कर दे। यहाँ हमने 20 साल का टारगेट रखा था, लेकिन बीच में पेंडेमिक आया और सारा प्लान चौपट हो गया। ये चार्ट देखिए, यहाँ पहले वाले चार्ट से दूसरा चार्ट मुझे ज्यादा कंसर्निंग लगता है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे लोन की किश्तें चुकाने में ही हमारे ज्यादातर पैसे खर्च हो रहे हैं। आज भी हमारे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट रीपेमेंट ही होता है। क्या भारत एक डेट साइकिल में अटक चुका है? हम इस टॉपिक पर फ्यूचर में वीडियो बनाएंगे जरूर। चैप्टर 5 कंक्लूजन। इन द एंड यही कहना चाहता हूँ कि गरीब को कुछ मिलता है, अमीर को बहुत कुछ मिलता है, मिडिल क्लास को बस मिडिल फिंगर मिलता है। गरीबों को सब्सिडीज तो मिली, अमीरों को रिबेट्स भी मिली, मिडिल क्लास को मिली सिर्फ और सिर्फ डिबेट। सरकार आपको गरीबी से ऊपर उठने में मदद जरूर करेगी, लेकिन जो बड़ी मेहनत से गरीबी से ऊपर उठे हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। इन्फ्लेशन हर साल गरीबी की व्याख्या बदलेगा और आप ज्यादा पैसे कमाने के बाद भी गरीब ही रहेंगे। मिडिल क्लास चुपचाप अपना टैक्स भरता है और उसका पैसा UPSC के स्कैमर्स को अमीर बनाने में जाता है, या फिर ऐसे पुल बांधने में जो कभी भी गिर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वी थैंक ग्रोथ स्कूल फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। डू मेक श्योर टू चेक आउट ग्रोथ स्कूल्स फ्री ChatGPT एंड AI वर्कशॉप। क्योंकि बजट में खर्च होने वाले पैसे हमारे पैसे हैं और इन पैसों का सही हिसाब रखने से मुझे फर्क पड़ता है। भाई हम अपने साउथ एशियन रीजन की में जब देखते हैं ना कि हर साल जब किसी भी कंट्री में बजट आता है, तो बहुत ज़्यादा डिबेट्स जो हैं वो की जाती हैं, बहुत ज़्यादा जो है उस बजट की जो है वो निंदा की जाती है। लेकिन एक चीज़ हकीकत है जो यहाँ पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है कि भाई मिडिल क्लास बंदे को जो है ना हमेशा कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे जो है अपर मिडिल क्लास में आ रहा है, मिडिल क्लास लोअर में जा रहा है। यहाँ पे आपको ये चीज़ें जो है वो देखने को मिली, क्योंकि टैक्स की भरमार आपको जो है हमेशा जो है वो देखने को मिलती है। इवन कि अगर गवर्नमेंट की मुझे एक टैक्टिक जो है बहुत देर पहले मुझे समझ आई थी कि भाई गवर्नमेंट जो है ना अगर 10 रुपये यहाँ से कम कर रही ना, दूसरी साइड पर 12 रुपये बढ़ा भी रही है, यानी कि 2 रुपये का प्रॉफिट जो है अपनी कमा रही है। बिल्कुल, मैं भी इस चीज़ से एग्री करूंगी कि हम लोग भी जो बजट देखते हैं तो उसमें जो मिडिल क्लास तबका वो सबसे ज़्यादा पिसता है। लोअर मिडिल क्लास के लिए भी आपको ये चीज़ नज़र आती है कि कहीं ना कहीं पर उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं, या फिर आपको राशन की फैसिलिटीज़ जो हैं वो नज़र आ रही होती हैं। अपर क्लास जो है उनको, एलीट क्लास को तो अगर देखें तो बिजनेस क्लास को तो गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट करती ही रहती है। मुझे लगता है कि क्योंकि किसी भी सोसाइटी का एक मेजर चंक जो होता है वो उसकी मिडिल क्लास होती है, तो उसका भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि मुझे लगता है कि ये वो लोग होते हैं जो सफ़ेदपोश लोग होते हैं, जो ना किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं, उनकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। लेकिन अगर यहाँ पर बजट की बात करें तो बजट का जिस तरीके से आज हम कहेंगे डिफरेंट सेक्टर्स की बात की, और जिस तरीके से उन्होंने समझाया, मैं कहूँगी बहुत ही आसान भाषा में जो है वो समझाया, ताकि एक आम व्यक्ति को उसका अच्छे से समझ आ सके। और मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि बजट जब आता है इंडिया में स्पेशली, तो आपको काफ़ी सारी डिबेट्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर सुनने को मिलती हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है कि जो आम व्यक्ति है वो कंट्रीब्यूट करता है उस डिबेट में, और उसका ये राइट होता है कि भाई हमारे लिए क्या है, इस चीज़ पर जो है वो बात की जाती है, रादर देन बाकी जो प्रोग्रेस है वो तो अच्छी है, कलेक्टिवली वो होनी चाहिए कंट्री में, लेकिन उनके हिस्से में क्या आया है उसके बारे में भी डिबेट की यार। उसके साथ साथ एक और चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि भाई आप जो है ना कंट्री को दे क्या रहे हैं। पूरे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अगर बात की जाए, टेलीकम्युनिकेशन के नाम पर बात की जाए, बिजनेस के नाम पर बात की जाए, तो वो क्या कंट्री में जो है वो आएगा, ये सारी चीज़ें जो है वो उस बजट में जो है ना वो डिस्कस जो है वो कर दी जाती हैं। लेकिन हाँ भाई, अगर एक आम इंसान की ज़रूरतों का ख्याल रखा जाए ना, यानी कि एक नॉर्मल पर्सन, वो बहुत ज़्यादा आगे की नहीं सोचता, वो अगले दिन की जो है वो सोचता है, खासकर मिडिल क्लास बंदे की जो है यहाँ पर बात जो है की जा रही। तो मेरा ख्याल है कि बजट में जो है ना मिडिल क्लास लोगों का किसी भी कंट्री में हो, क्योंकि ये खाली मैं इंडिया की बात नहीं करूँगी, यहाँ पर भी हमें ये चीज़ बहुत कॉमन देखने को मिलती है कि बजट में जो है बहुत सारी जो है वो चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं कि भाई इधर से टैक्स कम कर दिया, इधर से ज़्यादा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जो है ना एक मिडिल क्लास बंदे को जो है वो क्या फैसिलिटीज दी गई, ये उसमें जो है ना बिल्कुल भी जो है वो नहीं
बताई जाती हैं। उसके साथ साथ जो है भाई, जैसे गवर्नमेंट्स जो हैं वो मुझे बीच में बहुत अच्छी लगी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं उनके टाइम पे जो है एक एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया गया कि भाई जो आप एक लिमिट से ज़्यादा जो है वो कर्जा नहीं ले सकते। लेकिन ऑन द अदर साइड हम जब यहाँ पर देखते हैं तो भाई आपको जो है वो कुछ ही दिनों में कई अरब रुपए कर्जा जो है वो लेते हुए गवर्नमेंट्स की रिपोर्ट सामने आती हैं, तो आप हैरान होती हैं कि भाई इतना पैसा अगर आ रहा है तो जा कहाँ पे रहा है। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं ये भी बोलूँगी कि जिस तरीके से अब जॉब्स पर बात की वो एक अच्छा था और स्टूडेंट्स वाला मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की स्कीम्स मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिलती उस तरीके से। पहले मिलती थी, अब काफी अरसा हो गया मैंने नहीं सुना। पहले फिर भी मैं सुनता था लोन्स का, मतलब कि आपका किस तरीके से आप अगर चलो मिलता भी था ना, तो आम लोगों को इतना ज्यादा इसके बारे में अवेयरनेस थी नहीं स्टूडेंट्स को कि भाई लोन लेकर भी हम अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। फिर मैं ये बात जरूर बोलूंगी कि ये जो सेविंग्स वाला और जो इंटरेस्ट वाला एक आप कह लो कि सिचुएशन है, ये अब आकर मुझे बहुत थोड़ा समझ आता है कि गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट लोगों को पे करती है ऑफकोर्स उनकी सेविंग्स पर जो कि बोरो करती है गवर्नमेंट डिफरेंट बैंक्स के थ्रू ही वो बोरो करती होगी और आगे से इन्वेस्ट करती है, तो वो डेफिनेटली ज़्यादा अर्न करती है। तब भी बैंक्स भी जो अपना इंटरेस्ट रखते हैं लोगों को भी वो देते हैं और गवर्नमेंट भी अपना हिस्सा जो है वो उसमें से रखती है, तो ये तो एक सिस्टम चलता रहता है। और दूसरा मैं ये भी बात बोलूँगी कि ऑब्वियसली एक साइड पर गवर्नमेंट अगर कम कर रही है तो दूसरी साइड पर उसको कहीं ना कहीं पर मैनेज भी करना होगा, बट मुझे लगता है कि आपको ख्याल रखना पड़ेगा डिफरेंट लोगों का और ये ईजी नहीं है, क्योंकि मैं ये भी चीज़ इस चीज़ को भी मानती हूँ क्योंकि अभी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ आपको 25 करोड़ लोग जो है वो नज़र आते हैं, ठीक है ना, इंडिया में 150। हाँ, मतलब आपको लोगों का एक बजट बनाना, तो मतलब एक इतने बड़ी आबादी के लोगों का बजट बनाना और सब चीज़ें जो है वो मतलब ऑन पॉइंट रखना, ये बड़ा मैं कहती हूँ कि डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि डेवलपमेंट भी देखनी है, फिर आपको जो क्या से बोलते हैं डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज युवाओं के लिए देखनी है, एग्जैक्टली फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आनी चाहिए, मतलब डिफरेंट सेक्टर्स का जो अपने भी जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनको भी ग्रो करना है, तो मुझे लगता है ये काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है, बट स्टिल मुझे लगता है कि ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर जो लोग अपने आप को एक गरीबी से निकाल कर एक अच्छी पोजिशन में जा रहे हैं टैक्सेस लगने के बाद वो दोबारा से उसी जगह पर पहुँच जाएँ, तो डेफिनेटली वो उनके लिए एक बहुत ही मतलब एक बुरा असर होता है। और 300 यूनिट के बीच में बात की, तो पाकिस्तान में 300 यूनिट अगर इस्तेमाल कर लें तो उसके बाद तो आपके बिल जो हैं वो कह लें 300, अब 200 यूनिट है, अब 200 क्या है जी, पहले 300 200 से नीचे मतलब जाओ आपका बिल 3000 के आसपास रहता है, अगर ऊपर जाते साथ ही 201 यूनिट भी होता है ना तो 8000 पे बिल चला। तो वैसे 200 यूनिट पर कभी भी 3000 बिल तो किसी को नहीं आया, टैक्सेस की जो भरमार होती है। नहीं, जो 200 से नीचे यूनिट होते हैं जिन्होंने 190 170 इस तरह यूनिट इस्तेमाल किए उनको 3000 इंक्लूड करके, हाँ, जो जैसे ही 201 यूनिट होता है सीधा 8000 आपका जीना हराम हो जाता है कि मतलब आपको इस तरह से बिल मतलब छप्पड़ फाड़ के जो है वो देखने को मिलते हैं। एनीवे गाइस, आप ज़रूर बताइएगा क्योंकि ऑब्वियसली जो इंडियंस हैं उनको ज़्यादा बेटर पता है कि आपको क्या लगता है कि किस जगह पर आपको लगता है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए था और गवर्नमेंट ने नहीं किया। और इसी के साथ हमें ज़्यादा मार्वल चाल करें वीडियोज़ 90% पर।